अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए बड़ी मज़ेदार सी स्वीट डिश की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसका नाम है पाइनएप्पल सूफले। ये बहुत जल्दी और बहुत आसानी बन जाती है, और जितनी आसानी के साथ ये बनती है उतनी ही ये मज़ेदार है। ये मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड ने मुझसे फरमाइश की थी, और उसकी फरमाइश पर मैं आज आप लोगों के लिए ये रेसिपी लेकर आई हूँ। लेकिन उससे पहले, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरी फ्रेंड्स जो हैं वो अपनी दूसरी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वॉच करें और लाइक करें, और मुझे कमेंट्स देना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। चलें आए अब हम शुरू करते हैं कि इसमें हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होगी। पाइनएप्पल सूफले बनाने के लिए हमें चाहिए पाइनएप्पल फ्लेवर की जेली, जो कि 85 ग्राम की है, ये छोटा पैकेट होता है, और आधा कप मिल्क लिया है मैंने, 200 ग्राम का जो टिन होता है पाइनएप्पल चंक्स का मैंने वो लिया है, 2 टेबल स्पून मैंने शुगर ली है, 1 कप मैंने हॉट वाटर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने पाइनएप्पल जो है वो एसेंस लिया है, और मैंने यहाँ पर एक पैकेट जो कि 36 ग्राम का है वो पाउडर व्हिपिंग क्रीम ली है मैंने। चलें आए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जेली को डिसॉल्व करेंगे, जो हमने एक कप जो है गर्म पानी लिया था उसमें हम जेली को डिसॉल्व कर देंगे, और उसके बाद हम इसको रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। इसको बिल्कुल गर्म नहीं रहने देंगे, हम इसको बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर ही ठंडा करेंगे, फ्रिज में भी नहीं रखना है इसे हमें। जेली अच्छी तरीके से डिसॉल्व हो गई है, तो अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब एक दूसरे बड़े बोल के अंदर मैंने ये यहाँ पर जो पाउडर व्हिपिंग क्रीम ली थी वो डाल दूंगी, और जो हमने ये आधा कप मिल्क लिया था वो डाल के मैं अब इन दोनों को साथ में बीट करूंगी। देखिए मैंने इसको पाउडर क्रीम को तकरीबन 6 से 7 मिनट तक के बीट किया है, तो ये इस तरह से क्रीमी टेक्सचर में आ गई है। और मैं यहाँ पर आपको ये बताना भूल गई थी कि मैंने यहाँ पर थिक क्रीम भी ली है, 125 ml की जो है वो मैंने थिक क्रीम ली, एक छोटा पैकेट लिया है, वो मैं इस वक्त इसमें यहाँ पर डाल दूंगी। अब इसको भी इसके साथ बीट करूंगी। थिक क्रीम और व्हिपिंग क्रीम को मिक्स करने के बाद अब जो मैंने 2 टेबल स्पून यहाँ पे शुगर लिया था वो भी इसमें डाल रही हूँ, 1 टेबल स्पून जो पाइनएप्पल एसेंस लिया था वो मैंने इसमें डाल दिया है। अब इनको भी मैं मिक्स करूंगी। अब जो हमने ये जेली को डिसॉल्व किया हुआ था हॉट वाटर में, ये अब रूम टेम्परेचर पर आ गई है। ये हरगिज गर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे फिर हमारी क्रीम जो है वो फट जाएगी। अब हम इस जेली को जो है वो पूरा इस क्रीम में डाल देंगे, और अब इसको जेली के साथ हम बीट करेंगे। ये हमारा मिक्सचर यहाँ पे तैयार हो गया है, और यहाँ पर ये पाइनएप्पल चंक्स हैं। आप अगर चाहें तो इस स्टेज पर आप इसको इसमें मिक्स कर सकते हैं, मगर मैं इसको यहाँ पर इसमें मिक्स नहीं करूँगी, मैं लास्ट में इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ करूँगी। अब इस मिक्सचर को मैं यहाँ पर दूसरी डिश में डिश आउट करके इसको फिर मैं ठंडा होने के लिए रख दूंगी। इसको तकरीबन मुझे 2 घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा। हमने सूफले को अभी फ्रिज से निकाल लिया है, और ये अच्छी तरीके से जम चुका है। अब हम इसको इन पाइनएप्पल चंक से डेकोरेट करेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर हमने इसको पाइनएप्पल से अच्छी तरीके से डेकोरेट कर दिया है, और अब इसमें जो ये जो सिरप था जिसमें पाइनएप्पल के चंक्स थे जो हमें टेंट से ही मिला था, वो मैं थोड़ा सा 1 टेबलस्पून लेके इसको ऊपर से इसमें डाल दूंगी। ये मज़ेदार सा पाइनएप्पल सूफले बिल्कुल तैयार है, और अब मैं बेचैन हो रही हूँ कि मैं आप लोगों को टेस्ट करके बताऊँ कि इसका टेस्ट कैसा है। बहुत ही मज़ेदार और सॉफ्ट सा बना है, मुंह में डालते ही बिल्कुल घुल गया है ये। आप लोग इसको अपने घर में ज़रूर बनाइएगा, और फिर मुझे बताइएगा कि जब आप लोगों ने ये बनाया तो ये कैसा बना। और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।